नमस्कार, मैं श्रेया यादव, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते कहर के चलते सूबे की योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 10 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। बनारस में जिला प्रशासन ने यहां के व्यापारियों की मांग पर पहले से ही जरूरी आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य कारोबार को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया था। इसी बीच सरकार का भी लॉकडाउन का फरमान आ गया, जिसके चलते वाराणसी के व्यापारियों और आम नागरिकों ने राहत की सांस ली थी कि अब शायद कोरोना कहर के चलते जिंदगी और मौत की लड़ाई पर लगाम लगाने में कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन कुछ व्यापारीगण कोरोना के कहर से बेखौफ होकर अपनी रोजी रोटी के लालच में चोरी चोरी चुपके चुपके अपने व्यापार को जारी रखने के लिए दुकानें खोल रहे हैं। ताजा मामला वाराणसी के थाना चौक अंतर्गत ठठेरी बाजार से लगाया गोविंदपुरा रेशम कटरा तक फैले कुछ प्रमुख सराफा कारोबारियों ने गुरुवार को आंशिक रूप से अपनी दुकानें खोलकर चोरी चुपके व्यापार शुरू कर दिया, जिसकी भनक लगते ही ऐसे सराफा कारोबारियों ने जो लॉकडाउन के समर्थक हैं, उन्होंने जिले के आला अधिकारियों को सूचना दे दी। तब तक कई सराफा कारोबारियों ने अपने ग्राहकों की मांग के अनुसार उन्हें माल की डिलीवरी कर चुके थे। इसी बीच ठठेरी बाजार स्थित सराफा मंडी में पुलिस भी आ धमकी और पलक झपकते ही सभी दुकानें धड़ाधड़ बंद हो गईं। सराफा कारोबारियों को लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कराने के लिए चौकी इंचार्ज ब्रह्मलाल सुमन यादव भी पूरे दल बल के साथ ठठेरी बाजार पहुंच गईं और उनकी नजर में एक सराफा कारोबारी के कर्मचारी पर पड़ी। उन्होंने उसे पुलिसिया अंदाज में कड़ी डांट पिलाते हुए हिदायत दिया कि दुकान नहीं खोलनी चाहिए। उस वक्त तो कर्मचारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि दरोगा जी हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। लेकिन दरोगा जी के जाते ही सराफा कारोबारी अपने कर्मचारी के अपमान से इतना व्यथित हुआ कि उसने चौकी इंचार्ज सुमन यादव को फोन लगाकर अपने कर्मचारी के अपमान का कारण पूछा। व्यापारी के पूछने के अंदाज से दरोगा जी को लगा कि एक तो कानून का उल्लंघन, ऊपर से धौंस जमाने वाले अंदाज में सवाल, जिसे सुनते ही चौकी इंचार्ज सुमन यादव ने मुंहतोड़ जवाब दिया। नाराज व्यापारी ने चौकी इंचार्ज की ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पहले सुनिए दरोगा जी ने कैसे कर दिया व्यापारी की बोलती बंद। हेलो जी मैम, नमस्ते, अनुभव बोल रहा हूँ मैं, सुमन मैम बोल रही हैं। बताओ यार सुन रही हूँ। हेलो हाँ बताइए, सुन रही हूँ मैम। ये बताइए अभी भी एक आप वो वहाँ पे चाह टूर्नामेंट की तरफ एक लड़का खड़ा था, मैंने सामान अपना सब निकलवा रहा हूँ मैं वहाँ से, आप उसको मार दी। पहले एक बार पूछी तो होती, वो फालतू में रो रहा है, मतलब को पंचायत हो गया। मैं अरे तू कानून मैम मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैम, ये मैं कह रहा हूँ। अरे मैम मैं पूछ रहा हूँ मैम, मुझे बताइए आपने उसको मारा। मैं पूछ लेती, मैं सामान मंगाया था, पीछे मंगाया था मैम। लिखित मैंने मैम बस मैं मारा, मैं पूछ रहा, मैं पूछ एक बार फोन रख, बस तेरी इतनी औकात नहीं तुझे फोन करके पूछ सके। मैम औकात वाली बात एक मिनट एक मिनट, औकात वाली मैम आप औकात वाली बात कर रही है। अभी तो मार के जो मंगाया करके आऊंगी मैम, आप एक मिनट मैम। इस पूरी घटना के बाद सराफा कारोबारी ने व्यापारी नेताओं के साथ लामबंद होकर चौक थाने के तेज तरह दरोगा के खिलाफ मोर्चाबंदी करने का पूरा प्रयास किया, किंतु सभी ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि अगर लॉकडाउन में दुकान खोली जाएगी तो पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी, भले ही उसे जितने भी कड़े कदम उठाने पड़े, लिहाजा इस मामले में चुप रहने में ही भलाई है। इस बारे में क्लाउन टाइम्स ने सराफा कारोबार से जुड़े प्रमुख व्यापारी नेताओं से उनका पक्ष जानना चाहा तो अधिकांश की यही राय थी, लगन के इस मौके पर सभी सराफा कारोबारियों को लॉकडाउन में थोड़ा बहुत चोरी चुपके कारोबार तो करना ही है, क्योंकि व्यापारियों से लेकर जिनके यहाँ शादी है सबकी इज्जत फंसी हुई है। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।